नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल कुमार आज आपके सामने यूके बोर्ड यानी उत्तराखंड बोर्ड का टाइम टेबल लेके मौजूद हूँ। आज हम उत्तराखंड बोर्ड का टाइम टेबल जानेंगे। सबसे पहले हम 10th क्लास का टाइम टेबल देखते हैं कि अभी टाइम टेबल जारी हुआ है तो उसकी डेट शीट क्या है, कौन कौन सी तारीख को परीक्षाएं होंगी। तो सबसे पहले हम ये परीक्षाएं देखते हैं। मैं परीक्षा की तारीख सबसे पहले बता देता हूँ आपको। परीक्षा की तारीख कब कब होगी? परीक्षा 27 फरवरी से शुरू होगी और 16 मार्च तक चलेगी। ये मैं 10वीं क्लास की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम एग्ज़ाम के बारे में बात कर लेते हैं, परीक्षाएं कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो 26 फरवरी को हिंदी की परीक्षा होगी, सॉरी माफ़ करना, 28 फरवरी को हिंदी की परीक्षा होगी, 1 मार्च को साइंस की परीक्षा होगी, 3 मार्च को मैथ की परीक्षा होगी और 9 मार्च को इंग्लिश की परीक्षा होगी और 13 मार्च को संस्कृत की परीक्षा होगी और 15 मार्च को सोशल साइंस, ठीक है। हिंदी, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, संस्कृत और राजनीतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है, जिसको हम SST भी कहते हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा 10th का टाइम टेबल। और आगे हम देखेंगे 12th का टाइम टेबल। तो आइए 12th के टाइम टेबल को एक बार देखते हैं। तो 12th की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी 27 फरवरी को और खत्म होंगी 16 मार्च को, ठीक है। और इसका टाइम टेबल, इसमें 12th में जैसे पता ही है सबको, 12वीं कक्षा में ज़्यादा ही परीक्षाएं होती हैं और ज़्यादा एग्ज़ाम होते हैं। तो एग्ज़ाम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन सी एग्ज़ाम, कौन सॉरी कौन सा एग्ज़ाम कब कब होगा। जैसे कि 27 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम होना है यहाँ पे, हिंदी का। 29 फरवरी को ज्योग्राफी अकाउंटेंसी होना है। 2 मार्च को हिस्ट्री, बायोलॉजी, बिजनेस स्टडी। 4 मार्च को मैथ। 5 मार्च को पॉलिटिकल साइंस। 7 मार्च को साइकोलॉजी और फिजिक, फिजिक्स। 9 मार्च को होम साइंस। 11 मार्च को इंग्लिश। 12 मार्च को संस्कृत। 13 मार्च को केमिस्ट्री। 14 मार्च को इकोनॉमिक्स और 16 मार्च को सोशियोलॉजी। ये हो गया हमारा 12वीं का टेबल। अभी हमने पीछे देखा 10वीं का, ये 12वीं का टेबल हमने देखा। तो ये पूरा टाइम टेबल आपने, आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप यहाँ पे PDF भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो अब इसकी हम टाइमिंग की बात कर लेते हैं, किसके टाइमिंग कौन कौन से पेपर होंगे। तो अब इसका हम जो ऑफिशियल साइट से इसकी नोटिफिकेशन आता है, PDF आता है, वो उसको एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सी परीक्षा कब कब होगी। तो आइए चलते हैं। तो इसमें इसमें क्या है कि इसमें 10वीं का भी दे रखा है और 12वीं का भी दे रखा है, दोनों की परीक्षाएं इसमें दे रखी है, ठीक है। अब जैसे कि इसमें टाइम लिखा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जैसे कि इसका जो PDF है थोड़ा साफ नहीं है। जैसे कि 27 फरवरी, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो 27 फरवरी लिखा हुआ है, और जो 27 फरवरी को परीक्षा, जैसे कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक, ये यहाँ पे विषय लिखे हुए हैं, कौन कौन से विषय है, संगीत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, सब चीज लिखे हुए। और 10 बजे से लेके 1 बजे तक यहाँ पे है 12वीं का हिंदी, कृषि हिंदी केवल, कृषि भाग 2 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 10वीं क्लास का दे रखा है, यहाँ 12वीं का। और 10वीं के लिए शायद 2 घंटे का समय है, और नहीं माफ करना, दो हाँ ये 10वीं के लिए शायद 2 घंटे का समय है,
10 से 12, और जो 12वीं की कक्षा परीक्षा होगी उसके लिए 10 से 1 बजे की टाइमिंग है, मतलब 3 घंटे का समय है। अब 28 तारीख की बात करते हैं, 28 तारीख को है 10 से 1 बजे। यहाँ पे क्या दे रखा है कि यहाँ पे 2 घंटे दे रखा था, बट यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 3 घंटे दोनों परीक्षाओं के लिए दे रखा है। यहाँ पे हिंदी है और यहाँ पे हिंदुस्तानी संगीत ज्ञान, हिंदुस्तानी संगीत, और यहाँ पे सारे मतलब दे रखा है यहाँ पे। तो 28 तारीख को यहाँ पे हिंदी, जैसे हमने पीछे वीडियो में बताया था, 28 तारीख को हिंदी की परीक्षा है 10वीं की, तो यहाँ पे देखो दे रखा है। अब हम 29 तारीख की बात करते हैं, 29 तारीख को, 29 फरवरी को 10वीं की एक भी परीक्षा नहीं है। यहाँ पे 12वीं की परीक्षा है भूगोल, भूमर्ग, विज्ञान, लेखाचार्य, तो ये इसकी परीक्षाएं होंगी, क्या नाम है, 12वीं की। 29 तारीख को हिंदी 10वीं की परीक्षा नहीं है। समय वही है आपका 10 से 1, मतलब 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 1 मार्च की बात करते हैं, 1 मार्च को 10 से 1 बजे की टाइमिंग है, वही 3 घंटे की। 10वीं का है विज्ञान और 12वीं का है उर्दू। जिस विषय ने विकल्प रूप में उर्दू को भरा होगा वो उर्दू का पेपर देंगे, ठीक है। अब आते हैं 2 मार्च की। 2 मार्च को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पे क्या है, हिंदुस्तानी संगीत ज्ञान, और यहाँ पे 10वीं का है, बट 12वीं की कोई परीक्षा नहीं है ये इस रूट इस कॉलम में, मगर 10 से 1 बजे के बीच 12वीं की परीक्षा होंगी। मैम टाइमिंग इसकी बात कर रहा था पहले, यहाँ 12वीं की परीक्षा नहीं है, 10 से 12 के बीच कोई 12वीं वाली परीक्षा नहीं है, परीक्षा है 10 से 1 बजे वाली, ये यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पे इतिहास, जीव विज्ञान, ये सारी परीक्षा ये 12वीं की है। अब हम बात करते हैं 4 मार्च की। तो 3 मार्च को छुट्टी है, 3 मार्च को कोई भी पेपर नहीं है, 4 मार्च को 10वीं का है और 12वीं का गणित है, गृह विज्ञान है, टाइमिंग वही है 10 से 1 बजे के बीच में। और उसके बाद हम बात करते हैं 5 मार्च को। 5 मार्च को समय 10 से 1 बजे, ठीक है। 5 मार्च को उसमें जिसने 10वीं का है उर्दू और 12वीं का है राजनीति विज्ञान। 6 मार्च की बात करते हैं, 6 मार्च को 10 से 1 बजे की टाइमिंग है, 10वीं का है गणित का पेपर और ड्राइंग, 12वीं का है ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर, ठीक है। और 7 मार्च को है सेम सेम समय है, 10 से 1 बजे के बीच में, उस दिन 10वीं का कोई पेपर नहीं है, बट लेकिन 12वीं का मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भौतिक विज्ञान जैसे पेपर होंगे। ये तारीखें आप याद रखना, और हमने भी ये आर्टिकल में दे रखी है, जैसे हमने पीछे बताया। और अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना है, कहाँ से मिलेगा, आप जाके हमारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप पीडीएफ भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। अब 8 तारीख को कोई पेपर नहीं है, फिर 7 मार्च के बाद सीधा 9 मार्च को पेपर है। 9 मार्च को वही 10 से 1 बजे के बीच में है, 10वीं का है अंग्रेजी और 12वीं का है गृह विज्ञान, ठीक है। अब दूसरी स्लाइड पे हम करते हैं। इसके बाद हमने फिर उसके बाद आपका 13 सॉरी माफ करना, 11 मार्च को पेपर है, 10 से 1 बजे के बीच में, 10वीं का एक भी पेपर नहीं है, लेकिन 12वीं का अंग्रेजी और अन्य विषयों के जो पेपर होते हैं, जो विकल्प रूप में चुने होते हैं, उनका पेपर है। 12 मार्च की बात करें, 10वीं का 10 से 12:30, इसमें 2.5 घंटे का समय मिलना है, सोचना। प्रौद्योगिकी ये पेपर है 10वीं का, बट यहाँ पे इस टाइमिंग में, इस समय में, मगर 12वीं का कोई पेपर नहीं है। और हम उसी तारीख 12 मार्च की बात करें, 10 10 बजे से लेके 11 बजे के बीच में रंजन कला 10वीं का पेपर है और 12वीं का है संस्कृत पंजाबी, ये 12 मार्च की बात हो रही है। 13 मार्च की बात करें, 10 से 1 बजे के बीच में संस्कृत है 10वीं का पेपर और 12वीं का है रसायन विज्ञान। और 14 मार्च की बात करें, सेम समय है, 10वीं का है पंजाबी बंगाली और
बारहवीं का है अर्थशास्त्र, और ऐसे अन्य जो विकल्प रूप में चुने होते हैं वो पेपर। फिर आते हैं हम 11, सॉरी माफ करना, 15 मार्च पे। 15 मार्च को सेम है 10 से 1 बजे के बीच। 10वीं का है सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और 12वीं का है सैन्य विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान। ये आप पूरा पीडीएफ हमारे, मैं बार बार यही आपको बता रहा हूँ, अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो आप हमारे पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है हमारी वेबसाइट पे जाके ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी डाउट हो तो आपको, ठीक है। और लास्ट पेपर है 16 मार्च को। 16 मार्च को जैसे कि 10 से 12 बजे के बीच, यह है ITES ऑटोमोटिव रिटेल टूरिज्म, ये सारे पेपर है, ये सारे जो अन्य विषय हम चुनते हैं वो है। मगर 10वीं का इस समय पे, इस टाइमिंग पे बात कर रहा हूँ मैं, 10 से 12 के बीच में कोई भी पेपर नहीं है। वही हम 10 से 1 बजे की टाइमिंग के बीच की बात करते हैं 16 मार्च की, तो 10वीं का पेपर है व्यापारिक तत्व, ठीक है, और 12वीं की है समाज शास्त्र। तो ये 16 मार्च को आखिरी पेपर होगा 10वीं और 12वीं का। ये हम उत्तराखंड बोर्ड की बात कर रहे थे टाइम टेबल, ठीक है, और टाइम टेबल को अलग अलग बांटा गया है, कोई 2 घंटे का किसी कोई पेपर है, सब चीज अलग अलग है। आप सारी जानकारी मतलब आप इस पीडीएफ से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य अन्य लोगों के लिए भी मतलब जो वो जिनको मतलब कुछ दिखाई नहीं देता क्या, जो वो काफी लोग अलग अलग टाइमिंग दे रखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दिया हुआ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हमारे चैनल को लाइक जरूर करना। धन्यवाद।